पहुंचते हैं तो अपनी कन्या का हाथ राजा शिवनिधि दिखा रहे हैं। कन्नू भलावी, कन्नू भलावी जी, डांडीवाड़ा वालों की ओर से 100 रुपए मिले, हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। तो अपनी बेटी का नारद जी ने हाथ दिखाया, नारद जी को हाथ दिखाया शिवनिधि राजा ने, और पूछा कि इस कन्या के गुण और दोष क्या हैं, कैसा इसको वर मिलेगा, कहाँ ये ब्याही जाएगी इत्यादि वगैरह पूछा। अरे हाथ की रेखा क्या कहती है नारद जी समझा दो, इसकी किस्मत में किसकी बारात लिखी बतला दो, इसकी किस्मत में किसकी बारात लिखी बतला दो, इसकी किस्मत में किसकी बारात लिखी बतला दो, और कौन से ग्रह किस घर में बैठे अरे मेल जरा मिलवा दो, आड़ी टेढ़ी रेखा अरे कैसा पति मिलेगा और ससुराल कहाँ बतला दो, कैसा पति मिलेगा और ससुराल कहाँ बतला दो। नारद जी ने जब उसका हाथ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, अरे जिसको ये कन्या ब्याही जाएगी वो सम्राट बनेगा, सारी दुनिया उसे प्रणाम करेगी, वो ही राजा होगा, उसकी इच्छा मृत्यु होगी, कभी वो अजर अमर रहेगा, क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। तो मन में बिचारा, अरे ले जाएगा ये बूढ़ा जाएगा ये बूढ़ा, ले जाएगा ये बूढ़ा दुल्हन 16 साल की, ले जाएगा ये बूढ़ा दुल्हन 16 साल की, ले जाएगा ये बूढ़ा दुल्हन 16 साल की। आदरणीय हमारे किल्लू भैया, किल्लू सराखे जी भौरा, आपकी ओर से 50 रुपए मंडल को सप्रेम भेंट हुए, हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। Yeah.
अमर हो जाएगा वो फिर से प्यार करेगी, अजर अमर हो जाएगा वो फिर से प्यार करेगी। चर चेतन अधीन रहेंगे ये कन्या जिसे बरेगी, परामादिनी दिनेश राजी डांडीवाड़ा वालों की ओर से 50 रुपए सप्रेम भेंट हुए। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और कहना ओ ये तो अमानत मेरी हो, ये तो अमानत मेरी है मेरे ससुराल की, ले जाएगा ये बूढ़ा तो क्यों ना भगवान विष्णु से उनका रूप उधार मांग लाए। अच्छा उधार मांगने की दिक्कत तो पहले से ही चल रही थी, कुछ नहीं तो बोले आपका रूप ही आपका श्रृंगार उधार दे दो। ये हमारे ऑनलाइन सुन रहे हैं परम आदरणीय निर्मय भैया पटेल साहब मुन्ना भैया सहेली वाले, एक फरमाइश आई है आपकी, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, क्या बात, समय मिलेगा तो जरूर गाएंगे और जरूर राम आएंगे सहेली, फिर आप अंगना सजाना जरा मस्तमी पे पानी उठा। राम सिंह पुरा से रतन लाल जी काजले बड़े आशीर्वाद स्वरूप 21 रुपए मंडल को प्रदान कर रहे हैं, हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो कहा भगवान से क्या कि मुझे दे दो सुंदर चेहरा, जैन की एक आंख नहीं है बेकरह मुझे भी चाहिए सुंदर चेहरा, हो मुझे दे दो सुंदर चेहरा मैं बांधू सर पर सहरा, मुझे दे दो सुंदर चेहरा मैं बांधू सर पर सहरा, मुझे दे दो सुंदर चेहरा मैं बांधू सर पर सहरा। और दो नील कमल सी आंखें एक आंख के अंधे, सुनो दो नील कमल सी आंखें मौका है आज सुनहरा, दो नील कमल सी आंखें मौका है आज सुनहरा, दो नील कमल सी आंखें मौका है आज सुनहरा। चेहरा दे दिया, अब बंदर के चेहरे को लेकर स्वयंवर में आ गए, कन्या ने कहते उस ओर देखा भी नहीं है,
तो देखिए वहाँ शिव जी के दो गण बैठे थे, कहा कि अपना चेहरा तो मुंह में देखो। जैसे ही चेहरा देखा तो क्या हुआ भैया, क्या हुआ बबलू भैया डांडी वाला परम आदरणीय हमारे बबलू भैया भौरा वाले, बड़े ही सुंदर नृत्यकार, बड़ा सुंदर कांच का आप प्रदर्शन करते हैं, आपकी ओर से बहुत सारे पैसे सबको 10-10, 20-20, 50-50 पूरे सदस्यों को दिए, मुझे भी दिए, मंडल की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और ये हमारे रेवा भजन मंडल डांडीवाड़ा के गायक कलाकार जगदीश खंडेलवार, आपकी ओर से 50 रुपये की राशि सप्रे भेंट हुई, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कई शब्दों पर। तारीफ करो क्या उसके जैसे मुझे सवारी है गणेश यादव जी उस उप सरपंच महोदय सेवन पाट वाले आपको से 51 रुपए, घनश्याम यादव जी सिजाले सेवा फल आपको से 51 रुपए, रंगलाल उइके जी आपको से 51 रुपए, सभी महानुभाव का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और देखिए मांग रहे हैं नारद जी उधार, देखिए कणों ने कहा कि आपकी तरफ कन्या नहीं देख रही है, इसलिए नहीं देख रही, किस लिए परम आदरणीय विजय यादव जी पाढ़र वालों की ओर से 101 रुपए सप्रेम भेंट, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अरे इतना दोष है ये हो मत हर कहीं मत किया करो, इतना दोष है आपके अंदर हो। ये परमादरणीय सरपंच महोदय एवं उप सरपंच महोदय एवं नारायण यादव जी ग्राम पंचायत कछार वालों की ओर से 201 रुपए मंडल को सप्रेम भेंट हुए, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अब बजा सकते हैं आप, क्या कहा गणों ने, शिव के गणों ने नारद जी से, इतना दोष है इतना दोष है आपके अंदर, सकल से लगते हो तुम बंदर, इतना दोष है आपके अंदर। चैना पहलवान साहब आपको से 51 रुपए सप्रेम भेंट हुए, हार्दिक हार्दिक आपका अभिनंदन। परम आदरणीय राजू पटेल साहब पहलवान ढाबा मित्र मंडली आपको से एक बार फिर 100 रुपए सप्रेम भेंट हुए,
किन शब्दों पर? अरे इतना दोष है आपके अंदर, इतना दोष है आपके अंदर, इतना दोष है आपके अंदर। सकल से लगते हो तुम बंदर, सकल से लगते हो तुम बंदर, सकल से लगते हो तुम बंदर। बंदर का ये नहीं स्वयं पर क्या कहे तुमसे, तो देखो नीचे तो तुम मनुष्य दिख रहे हो, ऊपर बंदर हो, और ये महल के अंदर बैठे हो। खुशी की बात है हमारे बीच में, हमारे परम सम्माननीय